आज पहली बार मुझे नगर पालिका के सदन में और नवलगढ़ बाबा राम साहब तीर्थ के मेले को लेकर के जो आज चर्चा सभी पार्षदगण से, वर्तमान चेयरमैन और पूर्व चेयरमैन साहब से और वाइस चेयरमैन जी से मिली, सारी समस्या को लेकर सुनने का अवसर भी मुझे पहली बार ही मिला है। पर मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा कि नवलगढ़ हमारा जीवन है, नवलगढ़ हमारा आधार है। बहुत बड़ी तकलीफ है कि नवलगढ़ में सुविधा के लिए एक सीवरेज की व्यवस्था की थी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो सीवरेज 102 करोड़ रुपए के आसपास मंजूर किए थे। जब आप चेयरमैन थे, माननीय पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने ही नवलगढ़ का ध्यान रखते हुए वो खुद आकर के साथ शिलान्यास करते गए। आज ये व्यवस्था इस नवलगढ़ शहर के लिए इतनी दुखदायी बन चुकी है, मात्र भ्रष्टाचार के अलावा इससे कुछ नहीं हुआ है। मैं एक विधायक के रूप में आपको विश्वास दिलाता हूं आज कि जिन्होंने इस भ्रष्टाचार में लिप्त है वो लोग, उनका वायलेट निश्चित रूप से ठीक होगा। नगर पालिका में पहली बार इतनी शानदार व्यवस्था होगी। कुछ समय रुको आप, मुझे एक एक पॉइंट का पता है, कब क्या टेंडर हुआ, क्या नाली बनी, क्या रोड नहीं बनी, कैसे पैसे उठे, सब चीज आपके सामने आ जाएगी। अभी माता जी कह रहे थे कि हमारी ये व्यवस्थाएं, साथ ही अभी ये कह रहे थे पूर्व चेयरमैन साहब कॉलेज के पास में, बिल्कुल उन बच्चों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी थी। मैं मानता हूं दूलोद और मुकनगढ़ और नवलगढ़ तीनों नगर पालिका का एक ही जगह सेट बनाया जाएगा जिससे किसी को तकलीफ नहीं होगी और सारे का सारा कचरे का ढेर बैठ जुड़े बने, ये हमारी नजर में है। अपने अब मेले को लेकर, मेला किस जगह बढ़ाओगे? एसडीएम साहब, मैं यू साहब से भी कह रहा हूं और वर्तमान चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन साहब और सारे पार्षदगण विराजमान है यहां पर, नवलगढ़ में पैर रखने के लिए व्यवस्था नहीं है। ये नवलगढ़ आस्था का केंद्र, राम साहब वीर का मेला पूरे प्रदेश में, रामदेवरा के बाद यदि कोई चर्चा होती है तो नवलगढ़ की होती है। पर वो सरकार कहां आएगा? मैं चेयरमैन साहब, यू साहब आपसे पूछना चाहूंगा, पैर रखने के लिए जगह नहीं है, इतने दिन से क्या जिम्मेदारी थी? और मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि जब तलवारें लटकेगी तो कोई काम नहीं आएगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको आज, चाहे वो चेयरमैन जी सुने और चाहे आप सुनो, पैर रखने के लिए जगह नहीं है। आने वाले लोग कहां आएंगे? क्या मेले में सब घूमने आते? बाबा राम साहब पीर की लोगों के प्रति वो आस्था है, लोग गले में दर्द होता है तो उनको याद करते हैं, सिर में दर्द होता है तो उनको याद करते हैं, पीरों के पीर जिनको हिंदू मुस्लिम सब मनाते हैं, तो वो लोग वहां पे उनके नाम से प्रसाद चढ़ाने भी आते हैं, हमारी माताएं बहने बहुत। तो इस विषय पे मैं अभी जो सुझाव लिए हैं, ये सुझाव सब कुछ मेरे के लिए कोई भी एक भी सुझाव अच्छा नहीं है मेरी नजर में। सबसे पहले धरातल पर काम होना चाहिए, आज से ही होना चाहिए। बुलाओ उस कंपनी को, कल से वो रोड का काम चालू करे ताकि वहां आने जाने की व्यवस्था सुचारू रूप से हो। आज आपकी लेबर कहाँ है? आज क्या नवलगढ़ में आनी चाहिए। दूसरा, जो पानी, पानी को लेकर के, पशुओं को लेकर के लाइटिंग कैमरे, आप लिमिट नहीं रखिए, पूरे नवलगढ़ के चारों तरफ ये व्यवस्था होनी चाहिए। लुटेरों का मेयर एक भी बदमाश या गुंडे का मेयर इस मेले में नहीं होना चाहिए, जिम्मेदार मैं भी होता था आप लोगों के लिए।
आप सबकी भी जिम्मेदारी बन गई। जब हम सब प्रस्ताव रखते हैं तो मैं सभी पार्षदगण से यही कहना चाहूंगा, ये नौनगढ़ हम सबका है, आपकी जिम्मेदारी पहली जिम्मेदारी बनती है कि आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो, तो आपको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। नगर पालिका आपकी है, आपको स्वयं को देखना चाहिए, ये तय कर लेना चाहिए। आप ऐसे ही तो कोई चेयरमैन बनता है, तो आप सबको शिकायत जो भी आप सबने दर्द बताया, दर्द सुनाया आपने अपने वार्ड का, बहुत बड़ी तकलीफ है। और मैं भी इंतजार कर रहा था, क्या राज को कल बदला है? कल ही तो बदला है राज। सुझाव देने वालों को मैं पूछना चाहता हूं, इतने सालों तक क्या था इस नवलगढ़ में? क्या आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई इस नवलगढ़ की नगर पालिका में? पूछना चाहता हूं मैं, सच है या गलत बताइए आप लोग। सच है और धरातल पे क्यों नहीं उतरी ये समस्या आज तक? पूरे नवलगढ़ में लाइट की व्यवस्था, मैं आज आपको ये कह रहा हूँ विश्वास के साथ, जिन लोगों ने लाइटों की टेंडर में कहीं भी भ्रष्टाचार किया है, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ वो घर से पैसे लगा करके एक दिन तीन दिन लाइट लगाने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसी समय में नवलगढ़ की एक एक काम की जांच, ध्यान आपको पहली बार राजस्थान के अंदर पता है, अभी आपको जलदाय विभाग का मंत्री का एड्रेस भी है क्या उस महेश जोशी का? नहीं है ना। पहली बार एसीबी से ऊपर एंटीक्रिप्शन से ऊपर सीबीआई जांच कर रही है जल जीवन मिशन को लेकर के, पूरे पश्चात पूरे भ्रष्टाचार के झांस में डबो दिया उसको, जबकि इच्छा थी मोदी जी की कि हर घर जल पहुंचे। हालात ये करती नवलगढ़ विधानसभा की, लोग कारखानी के लिए तरस रहे हैं, रोड़े तोड़ दी गई, पाइपें डाली नहीं गई, वही नगर पालिका के हालात कर दी। आज ये स्थिति सबके सामने है, एक एक जो मैं नहीं बोल रहा हूँ ना उनकी भी जांचें होगी, उस समय आप लोगों को तकलीफ में रहना है। जांच होने के बाद अच्छे से काम होगा और वो काम करवाने की जिम्मेदारी आप और हम सब की है। वर्षों से जो लोग लेकर बैठे हैं दुकानें, निश्चित रूप से चेंज कर दीजिए इसको तुरंत। इन लोगों को आज तक अवसर नहीं मिला है, जो लोग इस दुनिया में नहीं है उनके नाम से दुकानें अलॉट है और उनके नाम से पैसे लिए जाते हैं, कभी भी नहीं। बिल्कुल नगर पालिका की चिंता करने के लिए, नगर पालिका में कोष कैसे बढ़े, अभी अभिलाष जी ने ये बहुत ठीक बात कही, तो हमें इसको इसमें परिवर्तन लाना चाहिए। और नगर पालिका की चिंता के लिए आप सबको एकजुट होकर के पूरा ध्यान देना चाहिए। पहली बार आपको लगेगा कि कोई नवलगढ़ की चिंता करने वाला है। बहुत दिनों से आप सोच रहे होंगे कि एमएलए बनने के बाद क्यों नहीं आए, मैं भी देख रहा था इस जहाज को कहां तक लेकर डबोएंगे। मैं इसी नजर में था और मैं चाह रहा था कहीं कमी सामने आए, कमी सामने आने के बाद ये मान के चलना कोई समझौते की व्यवस्था ही नहीं है मेरे पास। कभी भी और जीवन में कभी भी, चाहे वो जनप्रतिनिधि विक्रम चाखल हो चाहे कोई भी हो, मैं ये सोच लेना कि कभी ये सोच नहीं सकेगा। भ्रष्टाचार का नाम तो उसको सपने में भी नींद में भी याद आएगा कि मैंने उस समय भ्रष्टाचार किया था, इतना पीछा करके इस नवलगढ़ का नगर पालिका को साफ सुथरी बनाने जा रहा हूँ कुछ ही समय में। आप याद रखें, साहब को भी मैं कहना चाहूंगा कि मेले के दौरान आपको स्वयं को दो राउंड तीन राउंड अपनी गाड़ी से ऊपर माइक लगाकर एक दो टीम अलग होनी चाहिए जो पूरे नवलगढ़ के चारों तरफ राउंड भी ले और जिम्मेदारी से कहीं भी एक दूसरे की कोई सिफारिश से कोई काम नहीं होगा। मात्र हमें मन से बाबा राम साहब पीर का मेला आज तक बच्चों से पीढ़ियों से भरता आया है, पर अब की बार ऐसा भरना चाहिए। हम सब की जिम्मेदारी जब सामने आएगी कि हमने मेले को लेकर एक मीटिंग की और साथ ही हम आज अभी ये समस्या सबसे बड़ी पार्षदगण की सबकी थी कि हम किसको कहें, पता लगा आपको भी कोई सुनने वाला नहीं लगा जा। अब मैं आपको कहना चाहूंगा कुछ ही समय बाद निरंतर नगर पालिका में मीटिंग होगी, सुनवाई होगी, जन समस्या का समाधान होगा और पूरे क्षेत्र को लेकर मेंटेनेंस को लेकर के कौन जिम्मेदार है
कहाँ है वो कंपनी, किसके पास है वो टेंडर? नया टेंडर किया है और उसके बीच में आज तक कितना पेमेंट उठाया गया और कब उन्होंने कहा व्यवस्था की, ये सामने आना चाहिए। ठीक है ना। और अभी वो बोल रहे थे चैम्बर से बाहर और फ्लो होने के बाद सारी गंदगी बाहर आती है, कौन करने जाएगा उसको ठीक? जो सीवरेज का काम, सीवरेज का मैं मेले के लिए बोल रहा हूँ, जो सीवरेज का काम करते हैं जिम्मेदारी से उनको वही, हाँ ये तय कर लेना, यदि किसी भी प्रकार की कोई कोताही बरती गई बिना राज के भी मैं कदम उठाने के लिए तैयार हूँ बाबा राम साहिब के मेले के लिए। आप सबके बीच में पहली बार आया हूँ, आप सबने मुझे पहले भी प्रेम दिया, कई लोग मुझे इस तरीके से भी कह रहे थे कि भाई साहब कब करोगे, तो मैंने कहा जब राम साहब पीर का आदेश होगा उस दिन, आज बाबा का आदेश था, आप सबके बीच में आया हूँ। अब निरंतर हम सब मैं देख रहा हूँ सारी व्यवस्थाएं छट जाए, इसके बाद आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा और नवलगढ़ सुंदर बनेगा। नवलगढ़ की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी हम सबकी है। बोलो बाबा राम साहब पीर की।